हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत। तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ads.txt के ऊपर वीडियो बनाओ, हमारे गूगल एडसेंस के अंदर एक ये प्रॉब्लम आ रही है, अर्निंग एट रिस्क, ये एक ऐसा मैसेज आ रहा है। वैसे तो मेरे गूगल एडसेंस के अकाउंट में नहीं आ रहा था, पर फ्रेंड्स अब मेरे गूगल एडसेंस के अकाउंट पर भी सेम ये मैसेज आ गया, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो मैसेज आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो वर्डप्रेस ब्लॉगर और वेबसाइट के लिए है। अगर आप यूट्यूब का चैनल चलाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये मैसेज कभी भी नहीं आएगा। अगर आपकी एड्स आपके वर्डप्रेस में ब्लॉगर में, तो ये मैसेज आज नहीं तो कल आपके एडसेंस के अकाउंट के अंदर ज़रूर आएगा। और ये मैं नहीं कहता, गूगल खुद कहता है कि अगर आपने इसे अवॉइड करा, इग्नोर करा, तो आपकी अर्निंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ये गूगल एडसेंस की अभी नई अपडेट है जिस पे उसने ये अनाउंस कर दिया है कि आपको अभी अपने वर्डप्रेस ब्लॉगर या वेबसाइट के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। एड्स का मतलब है फ्रेंड्स ऑथराइज डिजिटल सेलर्स। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कहाँ से एड्स आ रही है, वो कौन सी कंपनी है। अगर आप गूगल एडसेंस के एड्स लगाते तो फ्रेंड्स आपको अब ads.txt को ऐड करना पड़ेगा। वो सब कैसे करना है वो तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के बताऊंगा, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। अर्निंग्स एट रिस्क, आपको इस तरह का मैसेज ज़रूर आया होगा गूगल एडसेंस में कि आपको ads.txt फाइल को फिक्स करना है। अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, तो फ्रेंड्स आपके रेवेन्यू पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। चाहे आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है या फिर वर्डप्रेस पे, दोनों में इसका क्या सॉल्यूशन है आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, इस पेज का। ये गूगल एडसेंस का पेज है, आपको ads.txt फाइल को कैसे क्रिएट करना है अब मैं आपको वो बताऊंगा। और गूगल ने इसका एक कोड दे रखा है, आपने करना क्या फ्रेंड्स, यहाँ से सिंपल इस कोड को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप इसे नोट पैड के अंदर सिर्फ पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पब्लिशर आईडी 00 लिखा हुआ है, और इस पेज में साफ लिखा हुआ है कि आप इसे रिप्लेस करेंगे अपने पब्लिशर आईडी से। अब आपको अपना पब्लिशर आईडी कहाँ मिलेगा अब मैं आपको वो बताता हूँ। आपको अपना गूगल एडसेंस ओपन करना है, और लेफ्ट साइड में आप ये अकाउंट की ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये सबसे पहले लिखा हुआ है पब्लिशर आईडी, यहाँ से आपने अपने पब्लिशर आईडी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने नोट पैड ओपन करना है, और यहाँ पर आपने अपने पब्लिशर आईडी को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इस पूरे कोड को कॉपी करना है, और आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे मोनिटाइजेशन की ऑप्शन है, कस्टम ads.txt, अभी ये डिसेबल है, आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसे येस करेंगे, और जो कोड आपने कॉपी करा था उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपके ads.txt फाइल ब्लॉगर के अंदर ऐड हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसे वर्डप्रेस में कैसे ऐड करना है। आपको अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना है, प्लगइन्स में जाना है, और ऐड न्यू के ऊपर जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ads.txt। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लगइन है ads.txt मैनेजर, इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद आपने सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ads.txt, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जिस कोड को आपने नोटपैड से कॉपी करा था उसको यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, और नीचे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैसेज आ गया ads.txt सेव्ड। अब हमने यहाँ से चेक करना है क्या सच्चे में हमारा ads.txt ऐड हुआ कि नहीं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, स्लैश डालना है, और यहाँ पर लिखेंगे आप ads.txt, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे मेरा यहाँ पर कोड शो करने लग गया। ठीक ऐसे ही हम ब्लॉगर में करेंगे। ब्लॉगर को भी हम चेक करेंगे यहाँ से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके, ब्लॉगर का जो नेम है उसके आगे स्लैश डालेंगे, और ads.txt हम ऐड कर देंगे, और मैंने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स मेरा कोड आने लग गया। आई होप आपको वीडियो देख के क्लियर हो गया होगा कि अब आप ads.txt को कैसे अपनी वर्डप्रेस और ब्लॉगर के अंदर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, नहीं तो आपकी अर्निंग पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। आई होप आपको वीडियो देख के ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी फिर से आपको मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।